गुरुग्राम वर्सेस पानीपत। बोनस टू गुरुग्राम, बोनस टू रेडर। महेंद्रगढ़ वर्सेज मेवात पुरुष वर्ग का इस मैच के बाद मैच होगा। आप दोनों टीमें अपने आप को तैयार रखें। महेंद्रगढ़ वर्सेज मेवात, महेंद्रगढ़ के कोच दिलबाग जी, आप अपनी टीम को बिल्कुल तैयार कर लें। मेवात के कोच और इंचार्ज वेदराम जी, आप अपनी टीम को तैयार कीजिए। रेड रिसीव 1 पॉइंट। डू और डाई रेड, रेड राउट। रेड राउट पॉइंट टू पानीपत। कबड्डी हरियाणा के सभी मैचों का लाइव प्रसारण, बहुत ही सफल आयोजन। इस गांव के खेल परिसर में आप सभी के समक्ष पानीपत वर्सेज गुरुग्राम पुरुष वर्ग का मैच ग्राउंड नंबर 1 पर चलता हुआ। आज बहुत ही अच्छे अच्छे मैच खेले जाएंगे दर्शकों के समक्ष। आज इस आयोजन का समापन निर्धारित समय अनुसार ही किया जाएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे मैच दर्शकों के समक्ष आपके अपने गांव खेड़का की पावन धरा पर। समस्त ग्राम खेड़का के विशेष सहयोग और भाई सुनी देशवाल के अथक प्रयासों की बदौलत श्री कुलदीप दलाल जी के दिशा निर्देशों के अनुसार ये सफल आयोजन अपनी कामयाबी की तरफ अग्रसर होता हुआ। पॉइंट
जैसे कि मैं बता रहा था, हमारा इस सीजन का ये तीसरा टूर्नामेंट है, तीसरा आयोजन चल रहा है। जूनियर वर्ग की प्रतियोगिता हुई जिला फरीदाबाद के अंदर, बहुत ही सफल आयोजन रहा। सब जूनियर प्रतियोगिता बाढ़ा जिला चरखी दादरी के अंदर संपन्न हुई और सीनियर वर्ग की प्रतियोगिता आपके सामने चल रही है। अभी तक का ये आयोजन भी बहुत ही सफल आयोजन, बिल्कुल सफलता की ओर अग्रसर है। सुपर टैकल, सुपर टैकल गुरुग्राम, वन पॉइंट पानीपत, इसको पहले बताने दिया करो। हेलो, और आप सभी की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, जो हमारी प्रतियोगिताएं होती है राज्य स्तरीय, सभी प्रतियोगिताओं को लाइव दिखाने का जो कार्य करते हैं वो संदीप लोणी हरियाणा कबड्डी .com कबड्डी हरियाणा चैनल, उसके ऊपर दिखाए जाते हैं। और बाद में कबड्डी हरियाणा ऐप, उसके ऊपर सभी जो गतिविधियां है वो डाउनलोड की जाती है, तो आप घर बैठकर भी मैचों का आनंद ले सकते हैं। मैचों का आनंद लेते हुए हमारे मनसा सिंह अतिथिगण, सभी ग्रामवासी, डू एंड डाई, थर्ड रेड, बैटर सेव 4 पॉइंट्स। खिलाड़ी ने अपने खेल का बहुत ही एक से एक बढ़कर उम्दा खिलाड़ी इस आयोजन का हिस्सा आपके समक्ष, आपके गांव के इस पावन धरा पर, इस गांव के लिए ये बड़े सौभाग्य का अवसर है जो इतना बड़ा आयोजन आपके इस गांव के खेल परिसर में चल रहा है। Thank you.
और मैदान नंबर दो पर जो मैच चल रहा है इसका स्कोर 39-29 जींद के पक्ष में और मैच बिल्कुल समाप्ति की ओर है। अगली दोनों टीमें मैदान की तरफ आ जाए। झज्जर वर्सेज फतेहाबाद महिला वर्ग का मैच अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच होगा। झज्जर वर्सेज फतेहाबाद ये दोनों टीमें मैदान की तरफ आ जाए। हेलो सुखपाल जी, विनोद कौशल एक बार ऑफिशियल टेबल पर आए आप। सुखपाल जी ये ढोल वाले और कैमरे वाला भाई ध्यान दें, हमारे अतिथिगण आप दासे सरपंच साहब पहुंचने वाले हमारे मध्य। मैं ग्रामवासियों से भी प्रार्थना करूंगा कि उनको स्टेज तक मंच तक लेकर के आने का कष्ट करें। आकोदा से सरपंच साहब हमारे मध्य पहुंचने वाले हैं, ढोल वाले और कैमरे वाला भाई गेट पर पहुंच जाए। रेड राउट बोनस टू रेडर ऑल आउट गुरुग्राम। इंजरी आई है कोच को बैठाइए, कोच को बैठाइए।
गुरुग्राम और पानीपत के बीच में जो मैच चल रहा है 15 और 16 का स्कोर है। दोनों टीमों में बेहतरीन मुकाबला आकोदा के माननीय सरपंच लगभग बराबर हमारे मध्य पहुंच चुके हैं। मैं ग्रामवासियों से नम्र निवेदन करूंगा कि उनको मंच तक लेकर के आए। जज्जर वर्सेज फतेहाबाद के बीच में मैच मैदान नंबर 2 पर होगा। ऑफिशियल सिंधोदा मैच शुरू करा दे, दोनों टीमें मैदान पर है, आप मैच शुरू कराइए। रेड राउंड पॉइंट टू पानीपत लास्ट 3 मिनट आगोदा से श्री सरपंच साहब हमारे मध्य पहुंचे हैं। मैं सरपंच साहब का यहां पहुंचने पर इस गांव की तरफ से, इस कमेटी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आयोजन में अपना कीमती समय निकालकर उनके आगमन पर हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। सरपंच आकोदा कहेंगे पानीपत वर्सेज पलवल, ये दोनों टीमें अपने आप को तैयार कर ले। पानीपत वर्सेज पलवल इस मैच के तुरंत बाद आपका मैच होगा महिला वर्ग का। हेलो पॉइंट मैच के बाद यहाँ पर टेर लगा दियो श्री अशोक सरपंच जी आकोदा से उनका पगड़ी से मान सम्मान करते हुए, पगड़ी का मान सम्मान बहुत ही बड़ा मान सम्मान श्री अशोक सरपंच जी गांव लास्ट 1 मिनट आकोदा से जो हमारे मध्य पहुंचे थे उनका यहां पहुंचने पर पुणे में इस गांव की तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। Thank you.
हेलो वन पॉइंट पानीपत नंबर 11 मैच ओवर।